वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसीज आने वाली हैं और ये वैकेंसीज एक दो महीने में कभी भी आ सकती है, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऑडियो के बारे में बताया जाएगा जो कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है और जिसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था। तो इस ऑडियो में क्या है और क्या ऐसी ख़ास बातचीत है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जानने के लिए आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। और ये याद रखिए कि UPBCL में TG2 की वैकेंसीज आना कंफर्म हो चुकी हैं। UPBCL ने भी पेपर के माध्यम से बता दिया है कि UPBCL में वैकेंसीज आने वाली हैं TG2 की, और इलेक्ट्रिकल विजन की तरफ से भी आपको कई बार इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि विभाग में ये प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस ख़त्म पे है और बस अब आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो एक दो महीने में ही वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो में जो ऑडियो की बात की जा रही है उसमें एक लड़का है जो कि UPBCL के किसी अधिकारी को फ़ोन करता है और उसे UPBCL TG2 से संबंधित बात करता है। तो वो अधिकारी क्या बता रहे हैं और UPBCL की तरफ से क्या जानकारी उस छात्र को प्राप्त हुई है, ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ये जो ऑडियो आपके सामने अभी स्टार्ट होगी इसको पूरा सुनें और सुन करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जो जानकारी है ये कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि वैकेंसीज कन्फर्म हो चुकी हैं। पर ये कह रहा था एक ही तो वैकेंसी आ गई अब TG। TG2 टेक्नीशियन की आएगी नहीं आएगी अभी सर, इसके बाद आएगी। कितने कितने पद है, कुछ आइडिया होगी सर? ये आपका मान के चलिए जो भी आएगी वो 300 के आसपास आएगी। केवल 300? 300 के इससे कम नहीं है, 300 प्लस ही होगी, 300 से कम नहीं। अच्छा, कब तक अनुमान है? अनुमान देखिए अभी तो कुछ तय होना इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। वो जो है इस बात का प्रोसेस चल रहा है, इस बात का चल रहा है कि वहाँ खाली की सीट का, कि वहाँ से जब तक सीट क्लियर ना हो जाए, हाँ। तो सीट क्लियर ना हो जाए तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते अपने। अच्छा, अभी अभी सीट नहीं है, शासन को इन्होंने भेजा हुआ है, शासन से आने वाला है ना। अच्छा। अभी हाँ, अभी जो है मुझे याद है 4-5 दिन पहले यहाँ सारी सभी आयोग के जितने भी लोग थे, मतलब आपने विद्युत सेवा आयोग ही नहीं, सभी आयोग जो भी आयोग थे, लोक सेवा आयोग थे, SSC थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले थे, सबको ये इन्होंने बुलाया, योगी जी ने बुला रखा था आपने यहाँ, और उसके MD को, तो मैं मैडम भी गई थी और हमारे ये भी गए थे, हमारे जो अध्यक्ष थे, तो इनको तो वहाँ पर जब लौट करके आया तो हमने पूछा हमारे साथ क्या रहा है, कहने लगे बस यही उनका यही था जो है आपका प्रोसेस क्या है, कितनी वैकेंसी आपने क्लियर कर दी है, कितना बचा रह गया है, इसका पूरे डिटेल बना के देना सभी से। और तो हम भी बिजली विभाग का तो नाम से जो बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने पूछा कि कैसे आप एग्जामिनेशन कराते हैं, तो इन्होंने बताया कि हम CBT एग्जामिनेशन उससे लेते हैं, कंप्यूटर इनको वो कहा है, इनकी सराहना किया कि बाकी बोर्ड जो है वैसे कराता है, क्या कहते कॉपी पेपर से कराता है, तो इनको इनको सराहना मिली इस बात की। हमारे यहाँ तो मतलब वैकेंट पद की मांगी गई थी सूचना, कितने खाली पद हैं? नहीं अभी तो ये मांगा है कि आप यहाँ ये वो तो हर लिस्ट मांगेगा ना कि कितने वैकेंसी, हमारे यहाँ से ये पूछा है कि कितने प्रोसेस में कितने का एग्जामिनेशन आपको टेस्ट बचा रहेगा जिसको आप नहीं करा पाए उसकी सूचना। अच्छा, तो JEE वाला इन्होंने दे दिया, AE वाला दे दिया, इससे पहले लेखा वाला था लेखा वाला दे दिया, अभी अभी एक दो वैकेंसी की आज डिस्कस कर तो रहे थे, जो है वो भी देने जा रहे हैं, तो इसके बाद ये जो है अब TG2 का ये देंगे। अच्छा, TG2 की चीफ इन हाइडे से लेंगे। अच्छा। और फिर वहां से हमारे पास आ जाएगा, आयोग में आ जाएगा, आयोग निकाल देगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब चीफ हाइडल से पहले लेंगे आप लोग, कितना वैकेंसी है ये? चीफ इन हाइडल बताते हैं MD मैडम को। अच्छा, कि कि इतनी हमारे यहाँ इतने जो है इतनी हमें जरूरत है। अच्छा। तो MD मैम जो है, MD मैम के यहाँ से हमारा अध्याचन आता है। अच्छा, अध्याचन जो है हमारे यहाँ आता है आयोग में। अच्छा, तो उसके आगे से हम लोग निकलते हैं। चले ठीक।